गांव में लाकर खड़ा कर दिया है। इस महामारी ने न लाखों लोगों की जानें ली बल्कि हमें कई वर्षों पीछे ढकेल दिया है, लेकिन हमने भी ठान लिया है कि इस कोरोना नामक महामारी को लात मारकर हम न भारत से बाहर भगाएंगे बल्कि पूरी दुनिया से बाहर भगाएंगे, और यही हमारा संकल्प है। और इसी तरह के कई हमें ऐसे कार्यक्रम और ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं जो इस बात को प्रमाण देते हैं कि हम डरे नहीं हैं बल्कि हम लड़ रहे हैं, और हमारे हथियार है मास्क और सैनिटाइजर। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे अपील करता हूँ कि कृपया मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। दोस्तों, कुछ ऐसे समारोह हुए हैं जिन पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। दरअसल 23 अगस्त 2020 को बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे ने एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया, और यह दीक्षांत समारोह था वर्चुअल रियलिटी कार्यक्रम पर आधारित। दोस्तों, जिस तरह हम कार्टूनों में जो एनिमेटेड देखते हैं उसी तरह के एनिमेशन द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। दरअसल आईआईटी बॉम्बे के 1255 से अधिक छात्र अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, किंतु उनके वर्चुअल रियलिटी द्वारा बनाए गए एनिमेटेड अर्थात वीआर तकनीक द्वारा बनाए गए एनिमेटेड कॉलेज के आईआईटी के आभासी मंच पर डिग्रियां लेते हुए दिखाई दे रहे थे, और इस वीआर तकनीक के निदेशक थे सुभाषित चौधरी। और दोस्तों, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे डंकल हार्डिन, उनका भी वर्चुअल रियलिटी तकनीक से एनिमेटेड बनाया गया था। दोस्तों, माना जा रहा है कि ऐसा कार्यक्रम आईआईटी के इतिहास में, भारत के इतिहास में, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में कहीं ना कहीं अनोखा है, क्योंकि यह पहला अवसर है जब एनिमेशन द्वारा कोई किसी कार्यक्रम को आयोजित किया गया हो, क्योंकि आजकल एनिमेशन द्वारा केवल फिल्में व कार्टूनों को ही बनाया गया था। तो दोस्तों, यह बात हमें बताती है कि हम किस तरह महामारी से लड़ रहे हैं और हम जरूर इससे जीत जाएंगे। दोस्तों, अंत में महात्मा गांधी की एक बात कहना चाहूँगा जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व कही थी, तो वो बात इस तरह है, निराशा ने जब भी घेरा तो बार बार इतिहास साक्षी हुआ है कि प्यार और सत्य की सदा ही विजय हुई है। इस धरती पर बहुत से हत्यारे और सितमगर हुए, कभी कभार लगा कि विजय उन्हें ही मिलेगी, पर आखिर वही हुआ, वो मिट गए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद।